अच्छा सुशील मोदी जी पर हम क्या बोले, ये तो जल जमाव में हाफ पैंट पहन करके भागने वाले लोग हैं। इन लालू यादव जी पर बोल रहे हैं कि एक और मुकदमा कर देंगे, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सुशील मोदी जी आप तो तुम तड़ाक पर उतर गए हैं, आप लालू यादव जी से जूनियर हैं, लालू प्रसाद यादव जी तो दूर के चीज हैं। राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता, हमारे नेता को तो छोड़ दीजिए, एक एक कार्यकर्ता भी ये गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। ये महाराष्ट्र में क्या खेला किए हैं शिंदे जी के साथ मिलकर के, राजस्थान में क्या करना चाह रहे थे, बिहार में हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और नीतीश कुमार जी को कि दोनों ने मिल करके जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो दवाई था उनको खुद दवाई वो पिला दिया है। तो बड़ा दर्द होता है, तो वही वाला दर्द हो रहा है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, उससे क्या होने वाला है। सबसे ज्यादा हत्या लूट बलात्कार में बिहार से भी ज्यादा दिल्ली में हो रहा है, ये हम लोग कोई बोल रहे हैं तो कौन जंगल राज से मुक्ति दिलाना चाह रहा है। केवल वही घिसी पिटी बात, पुरानी बात, जंगल राज दिस दैट, ये सब कहने से जनता उब चुकी है। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है और जहानाबाद से राजद के युवा छात्र नेता शैलेश यादव चल कर आए हैं। जी सर, आपसे हम एक बात कहेंगे कि अमित शाह बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे और जंगल राज से छुटकारा दिला देंगे बिहार को, क्या कहिएगा? जंगल राज से छुटकारा दिलाना है तो 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का बात कर रहे हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी को पता नहीं है कि अभी वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ना प्रधानमंत्री हैं, इसे बनाने की बात तो छुटकारा दिलाने का कौन बात कर रहे हैं भाई। आपको पता है कि सबसे ज्यादा अपराध में, सबसे ज्यादा हत्या लूट बलात्कार में बिहार से भी ज्यादा दिल्ली में हो रहा है। अच्छा। ये NCRB का रिपोर्ट है, ये हम लोग कोई बोल रहे हैं तो कौन जंगल राज से मुक्ति दिलाना चाह रहा है, किसको बुड़बक बनाना चाह रहे हैं। और हम लोग तो अमित शाह जी आए थे कल, तो छात्र नौजवान और पूरे बिहार की जनता इस ओर से देख रही थी और टकटकी निगाह से देख रही थी कि अमित शाह जी आएंगे तो बिहार को विशेष राज का पैकेज देंगे, जो देने की बात कहे थे कि 1.25 लाख करोड़ देंगे, अभी तक मिला नहीं। विशेष राज का दर्जा देने के लिए कहे थे, अभी तक मिला नहीं। हम लोग नौजवान हैं, छात्र हैं, हम लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग को रोज़गार मिलेगा, रोजगार के सवाल पर जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का बात किए थे उसमें से कुछ रोजगार देकर देंगे, कहीं कोई बात नहीं बोले, केवल वही घिसी पिटी बात, पुरानी बात, जंगल राज दिस दैट, ये सब कहने से जनता उब चुकी है। जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि महागठबंधन के नेतृत्व में और संविधान बचाने के लिए, किसानों के हक के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए पुनः 2024 में 40 सीट में, उन 40 सीट जिस तरह से भाजपा के साथ गठबंधन में जदयू थी उसी तरह से इस बार RJD के साथ गठबंधन में है, महागठबंधन पूरी तरह से जीतेगी। दल बदल जो करते हैं उनको भी सबक सिखाएंगे, दल बदल करते हैं उनको सबक सिखाने के लिए बोल रहे हैं। पहले अपने ये महाराष्ट्र में क्या खेला किए हैं शिंदे जी के साथ मिल करके, ये मध्य प्रदेश में क्या किए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को इधर से उधर पलट करके, राजस्थान में क्या करना चाह रहे थे, ये तो बिहार है। बिहार में हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और नीतीश कुमार जी को कि दोनों ने मिल करके जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो दवाई था उनको खुद दवाई वो पिला दिया, जैसे डॉक्टर को उनका दवाई खुद पिला दिया जाता है, तो बड़ा दर्द होता है, तो वही वाला दर्द हो रहा है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, उससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम अपने नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो वादा जनता से उन्होंने किया है 10 लाख रोजगार देने का, नौकरी देने का, उस पर कायम है, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और मजबूती से जहां भी जाते हैं, जिस सभा में जाते हैं, तो ये भरोसा दिलाने का जनता को काम कर रहे हैं कि 10 लाख रोजगार पे, नौकरी पे हम लोग काम कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि मिलेगा भी, जल्द ही देने का काम करेंगे, काम हो रहा है, उस पर काम चल रहा है, जल्दी मिलेगा। सुशील मोदी को क्या कहिएगा, वो कह रहे हैं कि लालू जी थोड़ा संभल जाइए, 1 दर्जन मुकदमा आप पे हम कर चुके हैं, ज्यादा बोलिएगा तो 1 केस और ठोक देंगे। अच्छा सुशील मोदी जी पर हम क्या बोले, ये तो जल जमाव में आप जानते हैं ना कि हाफ पैंट पहन करके भागने वाले लोग हैं, इन लालू यादव जी पर बोल रहे हैं कि एक और मुकदमा कर देंगे, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इन्होंने जितना भी मुकदमा कराया है सब फर्जी कराया है, जानबूझ करके कराया है। और ये जो धमकी देने का काम कर रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं सुशील मोदी जी को कि सुशील मोदी जी आप तो तुम तड़ाक पर उतर गए हैं, आप लालू यादव जी से जूनियर हैं और जूनियर थे भी, रहेंगे भी हमेशा, लेकिन हम लोग ये कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि सुशील मोदी जी, लालू प्रसाद यादव जी तो दूर के चीज़ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता, हमारे नेता को तो छोड़ दीजिए, एक एक कार्यकर्ता ये गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता डरता है,
इसलिए पूरी जनता समझ चुकी है और बिहार की जनता निश्चित रूप से आने वाले 2024 के चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेगी। इनके जितने भी वादे झांसे के रूप में थे उससे जनता ऊब चुकी है, महंगाई से त्रस्त है, तो इस बार इनको उखाड़ करके फेंकेंगे बिहार से। शैलेश यादव जी का कहना है कि जुमलेबाजी की सरकार है, अमित शाह तो खुद तड़ीपार हैं और एक एक कार्यकर्ता सुशील मोदी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तेजस्वी जी अपना काम कर रहे हैं, हमारे नेता रोजगार की बात किए हैं और रोजगार देने का काम कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।